नमस्कार, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन। कल सुकमा में हमारे देश के बहादुर जाबाज 24 जवान शहीद हो गए। 35 से ज़्यादा जवान जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कल सुकमा में हमारे देश के जवानों पर नक्सलियों का बड़ा हमला हुआ। 400 नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हुए हमारे देश के लगभग 50 जवानों को हताहत कर दिया। ये साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये नक्सली हमला कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ और नक्सलियों की रणनीति कैसी थी। आज इस खबर को आप देखकर हैरान हो जाएंगे और मेरे स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है उसे देखकर आप और भी ज़्यादा हैरान हो रहे होंगे। ये तस्वीरें हम ज़्यादा साफ सुथरी नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको थोड़ा सा ब्लर करके दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें जवानों की डेड बॉडी है। ये वही जवान हैं जो लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी आगे आपके सामने एक ऐसी वीडियो आने जा रही है जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में 24 जवान शहीद हो गए। कुख्यात नक्सली हिडमा को पकड़ने के लिए जवान उसके मांद में घुसे थे। 2000 जवानों की टीम अलग अलग इलाकों से हिडमा के टीम को पकड़ने के लिए जंगल में घुस रही थी। नक्सली शुरुआत में जवानों को किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया, उन्हें घने जंगलों में अंदर तक घुसने दिया। सुरक्षा बलों की टीम कई हिस्सों में बटी हुई थी। एक टीम को हिडमा की बटालियन ने अपने एम्बुश में फंसा लिया। उसके बाद जवानों की घेराबंदी कर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हिडमा की बटालियन ने जवानों को तीन तरफ से घेर लिया। जवान घने जंगल में फंसे थे और हिडमा की बटालियन पहाड़ के ऊपर से फायरिंग कर रही थी। अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे हमारे जवान जो है घिर गए थे। चारों तरफ से घिरे जवानों के पास कोई चारा नहीं बचा था। उसके बाद भी जवानों ने हिडमा की बटालियन को मुंहतोड़ जवाब दिया। इस हादसे में नक्सलियों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नक्सली मौके से 4 ट्रैक्टर में भरकर अपने साथियों के शव को ले गए। कुछ दिन पहले ही हिडमा ने पुलिस को चुनौती दी थी। बताया जाता है कि हिडमा की सुरक्षा में नक्सलियों की सबसे घातक टीम रहती है। यह टीम अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। मुठभेड़ स्थल पर मौजूदा एक जवान ने बताया कि इस टीम में करीब 800 की संख्या में नक्सली थे। उन्होंने जवानों के ऊपर हमला किया। हिडमा खुद कभी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शरण लेते रहती है। घटना वाली जगह में भी तेलंगाना की सीमा से लगती है। आपको बता दें, आज इस खबर को देखकर आपकी आंखें भर आई होंगी, क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे देश के जवान इतनी बड़ी मात्रा में शहीद होंगे। आपके स्क्रीन पर देखिए, हम एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं और ये नक्शे ये आपको दिखा रहे हैं कि जंगल की सीन है। ऑन ग्राउंड विजुअल फ्रॉम द साइट ऑफ नक्सल अटैक एट सुकमा बीजापुर बॉर्डर इन छत्तीसगढ़। 22 सिक्योरिटी पर्सनल हैव लॉस्ट देयर लाइव इन द अटैक। ये वही जगह है जहां पर हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। आप इन तस्वीरों को, इन वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या बोलेंगे, लॉन्चर है कि इसको क्या कुछ बम दागे गए थे बोल सकते हैं, इसको इतना ही ले सकते हैं। यूबीजीएल टाइप का बम नहीं, एक बम दागे गए थे सर। बड़ी और ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो थोड़ा सा ब्लर किया गया है, ये डेड बॉडी है। हमारे जवानों की लाशें हैं जो वहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में देश का नुकसान हुआ है।
हिडमा के साथ रहने वाले नक्सली के पास कई अत्याधुनिक हथियार हैं। कई राज्यों की पुलिस नक्सली कमांडर हिडमा की तलाश कर रही है। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि ये रॉकेट लॉन्चर है जो मैं स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। इसी रॉकेट लॉन्चर से, इसी गोले से हमारे देश के जवानों के लहू को लहूलुहान किया गया। खून से होली खेली गई, उनके वर्दी को खून से लथपथ किया गया। सबसे खास और दुखद बात यह है कि हमारे देश के जवान लगातार आतंकवादियों और नक्सलियों से मुठभेड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में राजनीति लगातार होती आ रही है। हिडमा के साथ रहने वाले नक्सलियों के पास कई अत्याधुनिक हथियार भी हैं। आपको बता दें, जिस हिडमा ने हमारे देश के जवानों को शहीद किया है, उसके पास कई अत्याधुनिक हथियार हैं। कई राज्यों की पुलिस नक्सली कमांडर हिडमा की तलाश भी कर रही है, उसके बावजूद भी वह पकड़ में नहीं आया है। पुलिस बल के ऊपर उसकी टीम ने रॉकेट लॉन्चर से भी हमला किया है। पहाड़ों से नक्सली आसानी से नीचे मौजूदा जवानों को अपना निशाना बना रहे थे। घायल जवानों के मुताबिक UBGL रॉकेट लॉन्चर और इंसास समेत 147 से U-शेप में दोनों पहाड़ियों के बीच घेर कर नक्सली 100 से 200 मीटर की दूरी से फायर कर रहे थे और उस फायर का जवाब हमारे देश की सेना दे रही थी। हमारे देश की सेना लगातार फायर का जवाब दे रही थी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नक्सली जवानों को घेर लिए थे कि हमारे देश के जवान समझ नहीं पा रहे थे गोली कहां से चल रही है, कहां से आ रही है, क्योंकि उनको यू शेप में घेर लिया गया था। हमारे देश के जवान जहां भी छुपने की कोशिश करते थे, जहां भी मोर्चा संभालने की कोशिश करते थे, वहीं से फायरिंग आना शुरू हो जाता था। हर तरफ से घेर लिया गया था। अब हम इसे इंटेलिजेंस फेलियर भी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस की फेलियर की वजह से हमारे देश के जवानों को मौत के मुँह में जाना पड़ा। वरना 400 नक्सली या 4000 नक्सली अगर आ जाएं और हमारे देश के जवानों को पता हो, तो वो 4000 नक्सली हमारे एक भी जवान का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें अंदाज़ा ही नहीं कि दुश्मन कितनी बड़ी मात्रा में, वो कितनी बड़ी ताकत के साथ सामने बैठा है, तो वहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। और यही कल हुआ है, ऐसा ही कल हुआ है जब हमारे देश के जवानों को एहसास नहीं था कि नक्सली 400 की मात्रा में उन पर टूट पड़ेंगे। आपको याद होगा, हमारे देश का सर्जिकल स्ट्राइक ने जब हमारे देश ने किया था, हमारे देश के कुछ पैरा एसएफ के कमांडोज बॉर्डर पर जाते हैं और पूरे आतंकवादियों के ढांचे को तबाह करके वापस आ जाते हैं और हमारे देश का एक भी कमांडो शहीद नहीं होता। तो हमें पता था कि दुश्मन की ताकत वहाँ पर क्या है, और हम उसके बाद वहाँ पर जाते हैं और मार कर उनको वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको नहीं पता था कि सामने दुश्मन कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी ताकत में है। आज देश की सेना इतनी बड़ी कीमत चुका रही है और हमारे देश के राजनेता सिर्फ राजनीति करने से उनको मौका नहीं मिल पा रहा है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, कम से कम देश के जवानों के लिए आगे आइए। वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के माथे का सिंदूर है, किसी की कलाई की राखी हैं, किसी की बहन की राखी हैं, इसलिए उनके लिए भी थोड़ा समय निकालिए और उनके लिए भी सोचिए। फोर्स में कोई जवान मरने के लिए नहीं जाता। मरने का किसी को शौक नहीं इस दुनिया में, सिर्फ वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं और ड्यूटी के लिए वो अपनी कुर्बानी दे देते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक बार, सिर्फ एक बार जवानों के बारे में भी सोचिए। यकीन मानिए, एक भी जवान देश से शहीद नहीं होगा। हम अगर आपको कह रहे हैं, इसका मतलब हम सारे 130 करोड़ लोगों को कह रहे हैं, उसमें सरकार, मोदी सरकार भी आती है, अमित शाह भी आते हैं, राहुल गांधी भी आते हैं, अखिलेश यादव भी आते हैं, और 130 करोड़ की जनता भी आती है। हम चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।